फाइनली यार हम पहुंच गए बनियोसा लेक में, आपको दिखाता हूं मैं। ये कुछ शॉप्स हैं, ये लेक है, इसका पानी तो बहुत ज्यादा गंदा होगा। वैसे जाते हैं आगे देखते हैं। वो सामने कुछ लगा हुआ है, वहां पे चल के बैठते हैं। यार मैं सोच रहा था यहाँ पे रश नहीं होगा, मगर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत आवाम आई हुई है क्योंकि आजकल गर्मियां है ना, इस वजह से सीजन है। तो वैसे यहाँ पे मतलब जब सर्दियाँ होती हैं लोग कम ही आते हैं, क्योंकि बर्फ वगैरह पड़ती है यहाँ पे, तो इसलिए लोग नहीं इतने आते। तो अभी चलते हैं उस साइड। आ जाए मुकाद भाई, आ जाए। फैमिलीज बहुत ज्यादा आई हुई हैं, लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं। किस साइड से रास्ता जाता है? इस साइड से जाता है मेरे ख्याल से। अच्छा यार अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड जा रहे हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। तो फिलहाल देखो इसको, यहाँ से रोड जाती है मेरे ख्याल से, उधर से फिर के जाती है उस साइड पे। तो चलते हैं फिर अभी। पहले मैं थोड़ा सा ना हिचकिचाता था मतलब पब्लिक ब्लॉग करने में, मगर अब नहीं हिचकिचाता, मैं खुले से करता हूँ। मुझे किसी का ऐसा खौफ नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि लोग घूर घूर के देखते हैं। यहाँ पे अपने लोग होते हैं, वहाँ पे घूर के लोग देखते हैं, यहाँ पे नहीं देखते। देखे भी तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे बारिश का भी पता नहीं कब शुरू हो जाए, इसलिए डर लगा हुआ है बारिश ही ना कहीं शुरू हो जाए। ये पत्थर भागने लगे इसलिए इन्होंने लगाई हुई है। ये मेरे ख्याल से रेस्ट हाउस है ये वाला, मुझे से कन्फर्म नहीं पता, यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं हुआ। यहाँ से सारी लेक का व्यू आ रहा है। आओ नीचे चल के बैठते हैं, रास्ता जाते हैं। ये नो स्लिप हो जाए यहाँ से। यहाँ पे मैंने सुना यार, जो लोग वैसे इन कश्ती में बैठ के वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, उनका अक्सर ये होता है कि फ़ोन वगैरह गिर जाते हैं, DSLR गिर जाते हैं। मैंने सुना है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस झील के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें घुमी हुई हैं। तो वैसे तो इस झील को साफ करें तो कुछ निकले ना, वैसे तो इसका पानी बहुत गंदा हुआ है। वैसे इसका ओरिजिनल पानी ब्लू है, ये गंदा हो गया सारा, पता नहीं कितने सालों से गंदा पड़ा हुआ है। इसका कोई सफाई वगैरह का इंतजाम नहीं करते। मैं रोस्ट साथ करूँगा, मैं सबको रोस्ट करूँगा, ये ना मैं रोस्टिंग चैनल शुरू कर दूँ। को पकड़ पकड़ के नीचे उतर रहा हूँ, ये पाँव मेरा सारा स्लिप हो गया। यहाँ पे कीचड़ है यार बहुत ज़्यादा, वही यहाँ मेरे पाँव सारे गंदे हो गए। सोच हम दूसरी तरफ आ गए तो ये तकरीबन थोड़ी सी पहाड़ी है, थक गया हूँ मैं। ये कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्या चीज़ है। तो अभी यहाँ से पूरा व्यू इसका कवर करते हैं। अभी हम यहाँ से नीचे वाली साइड पे जाएंगे, वहाँ से करीब ट्रिप से गुजर के जाएंगे, उस तरफ वापस जाएंगे हम। वो छोटा सा ब्रिज है, आओ नीचे से चलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यार चीज़ें हैं, घुड़सवारी भी करवाते हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं। ये ब्रिज है, यार मैं कहता हूँ यहाँ पे आके बंदा अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाता है, एक अलग सी दुनिया है। इस साइड पे पार्क है कोई, अभी हम दोबारा उसी साइड जा रहे हैं यहाँ पे पहले हम गए थे। भाई वेट क्या, हमने 2 किलो की चीज़ें लगाई हुई हैं, वेट कैसे चेक करवाएं? चिकन बिरयानी वाला। यहाँ से पानी इसका नीचे जा रहा है।
यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज अच्छी खासी हो गई है वैसे, मैं भी परेशान हो रहा था, मेरा वेट गेन हो गया। यहाँ पे 1 किलो वेट तो गिरने ही चाहिए जितनी मैंने हाइकिंग की, जितना मैं पैदल चला हूँ। यहाँ के लोग इसीलिए स्मार्ट होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलते हैं, हम तो वो वहाँ पे यही करते हैं ना, खा के सो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इनकी पैदल वॉक इतनी हो जाती है, इनको जिम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सामने बड़ा होटल है एक, उसका मुझे बहुत प्यारा लगा व्यू। लेक के साथ छोटा सा बाजार है इनका, अभी कुछ खाने के लिए पकड़ते हैं। हमने खाने पीने के लिए पकड़ लिया सामान, अभी चलते हैं उस साइड जाके बैठ के खाते हैं। अभी अभी मैं फिलहाल व्लॉगिंग कर लिया, सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अभी फिलहाल बैठ के खाने की बातें वगैरह करेंगे तो फिर चलते हैं वापस, बैठते हैं कोई खाते पीते हैं। यार गर्मी यहाँ पे बहुत हो गई है, फिर पता नहीं पसीना आना शुरू हो गया। यहाँ पे चल के बैठते हैं फिर कोई खाते पीते हैं। ये बर्गर लिया अंडे वाला, तो सिर्फ इसमें अंडा पड़ा हुआ है, ना शामी पड़ी हुई है, ना बंद गोभी पड़ी हुई है, सिर्फ यही पड़ा। अपना कचरा साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गंद नहीं डालना चाहिए, लोगों को इस बारे में ख्याल नहीं आता। वैसे आप जहाँ पे भी जाएं उसका ख्याल रखें सफाई का, अपने घर में भी हों तो उसका सफाई का ख्याल रखें, छोटी सी चीज़ भी हो ना उसको उठा के बिन में डालें क्योंकि ऐसे गंदगी नहीं फैलती। यार चल चल के बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पाँव मेरे दर्द करना शुरू हो गए। फाइनली जी अब कहते हैं इसको बंजोसा लेक को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, तो चलते हैं अभी दूसरी साइड से वापस घर चलते हैं। मौसम भी बारिश वाला हो गया, बारिश शुरू हो जाए। कीप द क्लीन लेक, मगर हाथ से आलिस का कोई भी नहीं रखता, यहाँ पे जगह जगह गंदी पड़ा हुआ है। यार चलते हैं अभी वापस, घूम लिया बहुत मज़ा आया यार, तो वीडियो वगैरह मैंने बनाई है बहुत मज़ा आया, फोटो वगैरह बनाए हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आएंगे यहाँ पे, इंशाल्लाह आगे तोली फिर जाएंगे फिर। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, भाई की दुआ में याद रखें। अगर मौका मिला तो कोई और एक दो शॉट्स ले लूँगा मैं रास्ते में जाते हुए, ठीक है फिर। फर्स्ट टाइम इस एरिया में ड्राइव कर रहा हूँ बाइक, अभी हम रुके हैं बंजोसा से थोड़ा सा आगे आए हैं हम, तो वापस जा रहे हैं हम घर, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, चेक करें मॉरिस का, ठीक है यार। फिर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।